हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये ड्यू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इस वीडियो में मैंने ड्यू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम अपडेट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है कि इस टाइम कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सब जगह लॉकडाउन किया हुआ है। स्पेशली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल लॉकडाउन किया हुआ है। सभी स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हैं, कोई भी स्कूल नहीं खुल पा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं खुल पा रही हैं। पर एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम तक नहीं रोका जा सकता, वरना नेक्स्ट सेमेस्टर भी या नेक्स्ट ईयर भी हमारा कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने में उतना ही डिले होगा। तो जो आपके एग्जामिनेशन डीन हैं विनय गुप्ता, उन्होंने थर्सडे में ये अनाउंस किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। अगर बात करें उनके मार्क्स की कि उनको मार्क्स किस तरह से अलॉट किया जाएगा, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स दिया जाएगा उनके इंटरनल बेसिस पे, मतलब उन्होंने इंटरनली किस तरह से परफॉर्म किया है उस बेसिस पे उन्हें मार्क्स वहाँ पे दिए जाएंगे। बात करें सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि उन्हें 50% तो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे दिया जाएगा और 50% उनका सेकंड ईयर का ही जो इंटरनल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। यही सेम सिस्टम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रहेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं स्टूडेंट्स, उनको भी इसी तरह से जो उनके इंटरनली उन्होंने जो परफॉर्म किया है उस बेसिस पे उनको वहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। यही सिस्टम बिल्कुल आपका सेमेस्टर वाइज में रहेगा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सेकंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो तो आपको इंटरनल बेसिस पे दिया जाएगा, और अगर आप सेकंड में हो तो 50% तो फर्स्ट सेमेस्टर का और 50% इंटरनल बेसिस का। तो इस तरह से आपके मार्क्स अलॉटेड किए जाएंगे। अब जो बच्चे SOL यानी कि ड्यू यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल में पढ़ते हैं, उनको किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स नहीं लिए जा रहे हैं। जितने भी बच्चे अंडर ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 100% असाइनमेंट्स के बेसिस पे दिए जाएंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं। और अब वहीं आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आपका 50% वही जाएगा, 50% फर्स्ट ईयर बेसिस और 50% सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स के बेसिस पर। तो ये रहेगा आपका SOL का। ओके, उसके बाद जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स बचते हैं किसी भी कोर्स के, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका किस तरह से रहेगा क्राइटेरिया, तो जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए ये सोचा गया है कि 1 जुलाई से, आपके 1 जुलाई से ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करे जाएंगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन बेसिकली ये है जहाँ पर आप अपनी बुक्स की हेल्प लेके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपको घर बैठकर ही देने होंगे थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको कहीं भी जाने की या पेन पेपर बेसिस पे आपका नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, आप घर बैठ के इसको देंगे। इसका क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा 1 जुलाई से। आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर को नोट डाउन करके स्कैन करके उन्हें प्रॉपरली आप कैम स्कैनर से उसे स्कैन कर सकते हैं। फिर उसे स्कैन करके प्रॉपरली आप उसको वेबसाइट पर या जो भी आपको जीमेल वगैरह बताई जाएगी वहाँ पर आपको उसे भेजना है। आपको टू आवर्स का वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे के अंदर वहाँ पर आपको ये अपलोड कर देने हैं अपनी आंसर शीट। वहीं बात करें जो स्टूडेंट्स PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं यानी कि स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए क्राइटेरिया यही है, बस उनके लिए टाइम ज़्यादा दिया गया है। नॉर्मल चिल्ड्रंस को 2 आवर्स का टाइम दिया गया है, उनको 2 आवर्स के अंदर अपनी आंसर शीट्स अपलोड करनी है, और जो बच्चे PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको अपना 5 आवर्स के अंदर, मतलब 5 घंटे के अंदर आपको अपनी आंसर शीट इसी वे में स्कैन करके अपलोड कर देनी है। तो ये था क्राइटेरिया ड्यू यूनिवर्सिटी का आज का। आप लोगों को समझ आ गई होगी वीडियो, तो इसी बेसिस पे आप अपने आगे के काम देख लेना। इसी अगर आपको रिपोर्ट पढ़नी है तो आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ये कंप्लीट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें भी आपको पूरी रिपोर्ट दे दी है, आप इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, अपने काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इसी तरह की न्यूज़ लाते रहते हैं। साथ ही कॉमर्स के सारे कोर्सेज यहाँ पर आप
अपलोड किए जाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हो जिनको भी ज़रूरत हो आप उस तक चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।